तो गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीवन, बैक टू द चैनल। आई नो दो तीन दिन से व्लॉग नहीं आए हैं, उनका अपना आ गया, उसके अपने रीजन से गाइस कि हिंट दे देता हूँ, एकदम एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा कि अब से नेक्स्ट 3 और 4 दिन और देहरादून दिखेगा व्लॉग में। उसके बाद अपन देहरादून से में नहीं रहेंगे, अपन चले जाएंगे कहाँ क्या वो सब प्री प्लान्ड, मतलब जब एकदम टाइम आएगा तभी बताऊंगा। बट हाँ, इतना है कि 3 या 4 दिन मैक्सिमम है घर पे देहरादून पे। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न मैं व्लॉग नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप मोमेंट भी है, ठीक है। और मैं एक दिखाता हूँ, इधर आ ये मेरा चलता फिरता कंटेंट है, कंटेंट था, हम थक के जाएंगे यहीं पे कबाड़ों को। अब हम नया कंटेंट ढूंढेंगे गाइस, सुनांशा के लिए भाभी इसी में कंटेंट दिख रहा है वीडियो कॉल पे, ठीक है गाइस। ये वीडियो कॉल पे कंटेंट देगी, इसका काम ही है, वो पतरा है ना, वही कर लेगी। यू आर रिकॉर्डेड ब्रो, यू आर रिकॉर्डेड नाउ, दिस इज टोटली योर लॉस। और सेम अपना ऐसे ही कुछ दिन इस बीस्ट को भी चलाने के रह गए हैं अपने पास, तो आज तो पहले धो लेता हूँ, फिर अभी निकल रहे हैं पहले नाना जी को पिक करने, क्योंकि कल है मम्मा का बर्थडे, तो एक बार मतलब इसको धो हो के फिर चलते हैं नाना जी को पिक करके, क्योंकि नाना जी का खुद ही कॉल आ गया था यार कि बर्थडे वर्थडे है, मेरे को लेने आ जाना, तो उनको लेके आते हैं। उससे पहले पापा के साथ मेरे को पहले जाना है इंद्रेश कुछ रिपोर्ट्स लेने, उसके बाद पापा को ऑफिस ड्रॉप करके फिर मैं और सुनांशा चलेंगे यहाँ से। भाई अपने हाथों आ गए थे, सुनांशा ने बहुत देर से खड़ी थी, और जैसे वो बगल वाले अंकल आए ना ये, तो सुनांशा उनके पास जाके बैठ गई, उनसे उनसे सैंडविच और चाय मांगने गए। सुनांशा उनके आगे जाके बैठ गई भाई, एकदम उनके बगल में, और जबकि आगे वाली रो खाली थी बट यहाँ नहीं बैठी, पीछे आगे। अब बता क्यों गई थी सुनांशा, अब क्यों आ रही यहाँ? चल ठीक है, खा ले मम्मी कसम, तू पीछे नहीं बैठी थी, खा ले मम्मी कसम। अब ड्रॉप कर दिया जस्ट ऑफिस पे, अब चल रहे नानू जी को लेने, शायद नानू जी के साथ ना आज छोटी भी आएगी। और कल का ऐसा पहले हमारा प्लान हो रहा था मसूरी का, इन अंकल को ना भाई साइड देखने की है ही नहीं, अपनी गाड़ी डाल दो उसके बाद देखी जाएगी जो होगा। हाँ अभी बढ़ जाती इनकी गाड़ी में फिर पता चलता, ठीक है। बाकी देहरादून की ऑलमोस्ट सारी सड़कें घूम चुका हूँ मैं, यहाँ तक आगे गाड़ी के एंड तक। कल परसों एक बार कॉलेज का प्लान और बना लूँगा, एक अपने लॉन्डो से मिल लेंगे, एक सृष्टि से मिल लेंगे, उसके बाद अपना सीन हो जाएगा सेट निकलने का, ठीक है। और कहाँ जाएंगे वो अभी हम रिवील नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ना अभी इससे बता के कोई फ़ायदा नहीं है। दो ऑप्शन है अपने पास, दो में से कहीं पर भी जा सकते हैं, बट वो फिर थोड़ा परमानेंट हो जाएगा अभी जो जाना है, 6 महीना 1 साल का, तो उसके बाद ही घर दिखेगा, तो तब तक अपनी रोड़े छाप लेता हूँ सारी की सारी। गाइज एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, सुनांशा का फ्यूचर का कॉलेज देख लो अगले साल का, अभी से देख लो, हमने डन कर लिया है कि सुनांशा का MKP में डाल रहा है मम्मा और मेरे हैवी डिस्कशन के बाद। हैं सुनांशा क्यों नहीं जाना? अच्छा ही तो कॉलेज है, कॉलेज कौन सा गंदा होता है? अरे तो मम्मी के जमाने का तो सोच ना, पुश्तैनी कॉलेज है बे। गाइस अपन ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं, हेलो नानू, तैयार नहीं हुए आप? तैयार है। अच्छा नाना जी नमस्ते, छोटे से चलो एक बार सबसे मिल लूं पहले। हाँ नाना जी, गिफ्ट ले लिया आपने? फिर गाड़ी लो यहीं रोक देता हूँ, यहीं लगा देता हूँ। पार्टी पार्टी तो ठीक है, गिफ्ट भी तो होना चाहिए। अरे ज़्यादा कुछ नहीं, सोने की चैन चुन दिला रहे। सही कह रहे, वापस घर छोड़ा हूँ मुझे इसी बात पे, तुम कह रहे अभी दिलाऊं तुम्हें सोने की चैन। वही कह रहे नाना जी, मुंह पे फेंकेंगे फिर कहेंगे भाई वहां घर छोड़ दो तुम, फिर देखो फिर मैं तुमसे रिश्ता ही छोड़ देता हूँ, उसके बाद सुनने सुनने की चैन ही छोड़ो तुम, है ना। तो नाना जी वगैरह को पिक करके हम आ गए थे वापस से पापा के ऑफिस में, क्योंकि पापा की भी छुट्टी हो गई थी, तो हमने सोचा कि उनको भी हम यहीं से पिक कर लेते हैं। तो अभी 2 मिनट में बस डैडी जी भी आ रहे हैं, और उसके बाद अपन यहाँ से भी निकल जाएंगे।
फटाफट और इन लोगों को मैंने धूप में छोड़ दिया था और मैं डैडी के अंदर उलझ गया था। गाइस क्या आप लोग धूप में सड़ गए हो? नाना जी बहुत गर्मी लगी। नाना जी कुछ कहते नहीं है, शरीफ हैं बेचारे। हैं गर्मी लगी, पसीने नहीं आ रहे आपको? थोड़ा बहुत तो आएगा, तो नहीं है। व्हाट अबाउट यू, छोटी गर्मी लगी? अबे पहले बताते हम, वही ना करते हैं। डैडी भी आ गए। पापा इतना जोर पड़ता है ना इसको, तो मैं स्पीड देख रहा सरपंच की खाने की। इसका तो कुपोषण है इसके लिए। ये बढ़िया है। जब बंद चमाने में भी दिक्कत हुआ वो करो सरपंच। वो खा भी है मम्मा, सेकंडो में देखो बंद तो पूरा बंद। भाई इनसे आधा आधा नहीं खाया जा रहा साइड वालों से। घूट लिया उसने भूखा भाई का। कहां गया इसका वो भूखे? आ गया वो। और की फरमाइश लगे आपके पास? इधर आ, खाने दो। गंदी बात तो छीन लेगा उससे। एक दिन मैंने पोको को रोटी दी मम्मी, उसने पोको के वो डोडो को, उसने डोडो के मुंह से आधी छीन के खा लिया। बहुत भूखा है ये, बहुत ज्यादा। आप बताइए इसमें। Next morning. Good morning and hello everyone back to the channel. आज है मम्मा जी का बर्थडे, जिसके उसमें हम लोग जा रहे हैं सब के सब डाट काली मंदिर पे, और मम्मी की आवाज आई होगी पीछे से। Hi mother. Everybody is trying to say you happy birthday. Thank you. किसी ने नहीं कहा बट मैंने जबरदस्ती कह दिया। Happy birthday. Happy birthday. नाना जी ने happy birthday कर दिया। आओ अब हम गाड़ी में चल रहे हैं यहीं से। पीछे देखना डॉगी है, और नाना जी को बैठा दूँ पहले मैं, उसके बाद आगे का सिस्टम देखूँगा। आराम से आना नानू। और गाइस जैसे हम पीछे वाले गेट पर, हमें एक धोबन मिली यहाँ पे। इसमें तो बहुत बतेरे कपड़े थे, बाकी कहाँ गए? कहाँ सुखाए? चल धोबन शुरू हो जा। अच्छा नाइस, मैं छुपे बैठे हैं, छुपे पहले आगे भर गए थे अंदर। ये देखो गाइस, ये देखो सर जी फैन ऑन करो। कैसे मुंह छुपाए बैठे, ऐसे काम कर रहे हैं नहीं चाहिए जो मुंह छुपाने पड़े। तो क्यों छुपाया है मुंह? हाँ भाई बर्थडे गर्ल। एंड गाइस हियर वी आर। ठीक है, और हमारे साथ एनजीओ वाले बच्चे भी घर आ रखे थे, तो हम इन्हें एनजीओ वाले बच्चों को भी ले आए। हाँ भाई एनजीओ वाले बच्चे। बहुत गर्मी है यार छोटी। अच्छा तूने तो नहीं उतारे, मैंने उतार दिया यार, अपनी नई स्लीपर थी मेरी, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। अब क्यों देख रहे, पहले तो बहुत मुंह छुपा रहे थे, अब तो नहीं करवा रहा मैं तुम्हारे साथ। आई हेलो आ जाओ आ जाओ, चलो चलो रुक जाओ यहाँ पे सबको आन दो, फिर अंदर चलेंगे उधर उस साइड में थोड़ा। तो यार अपने दर्शन वर्शन डन करके हम निकल रहे हैं घर के लिए वापस। और हाँ भाई बर्थडे बर्थडे पार्टी अभी तक नहीं मिली, पर कोई बात नहीं। और चल रहे नाना जी, अब तो पार्टी दे दो। चलो पार्टी दे दे। चलो नाना जी ने पार्टी डन कर दी भाई। चल भाई चले फिर। भाई मौसम इतना तगड़ा हो रहा है, ये देखो फोटोग्राफर कैसा बैठा है सामने। गाइस वहाँ से अपन घर आ चुके हैं, अब एनजीओ वाले बच्चों के साथ ना केक वेक काटने का अपना सेरेमनी करने जा रहे हैं। ठीक अभी दिखा दो। तो ठीक है, आप सृष्टि जैसी हरकत क्यों कर रही थी? गाइस आज मेरा बर्थडे है। अगले साल पे गिफ्ट देना मेरे को। अगले साल में सिस्टर ये हैप्पी बर्थडे, आज मेरा बर्थडे। ओ गाइस आज मेरा बर्थडे, विश करो विश करो। अच्छा देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूं, कैसा लग रहा? हां मुझे अच्छा लग रहा। इस वाले चश्मे में सुनो, एक सेकंड इस वाले बोल लो चिल्ला के रही हूं। डिटॉल के जैसे क्यों आ रही? बाथरूम में नीचे पड़ा हुआ था ना? नहीं मैं धो के लाई जस्ट। बाथरूम में नीचे पड़ा हुआ था ना यार, ये तो कुत्तों ने पहना हुआ था यार। डोडो को पहनाया। सुनो आप कैसी लग रही, पहले अपने पिता से पूछ लो फिर मेरे पिता से पूछ लो। टू थ्री
मुंबई की नदियों की पिंकी है पैसे गाना नहीं है वैसे मुझे भी ये नाम मुझे आज ही पता चला मुंबई का भैया फुंकी मारो फुंकी फूंक मेरे लगा चलो 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 1 2 3 go happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear mamma ओ आपने केक काटना है God bless you. Happy birthday, dear mama. बेस्टी हो गई यार वो. शर्म नहीं. नहीं. पानी गिर रहा है बहुत तेज. क्या? बेटे बाद में काट के दे देंगे ना. गलत बात है. कैसे बदतमीज़ है डैडी आपका बेटा. यही होना चाहिए आपके साथ जैसी आपकी हरकतें हैं ना कैसे हो सकते हो आप हमने अपना मुंह सुधार लिया अभी भी नहीं सुधरा यार ये बहुत बुरी तरीके से खिलाया गया है मुझे गाइस गाइस मम्मी का बेवकूफ बना के अंदर ले आए अब होएगा पता नहीं सुनांसा मम्मी आ गई पोते जल्दी लगा अब दिखा रहा हूँ जितना मम्मा बच के भाग रही थी गाइस हेलो गाइस हमने मैम कहा था ना आपको मैम बच जाएगी जाल बुन रखा है भैया लोगों ने आपने सुनी थी हमारी बात जाल बुन रखा है ओह आप जाल में फंस गए एक सेकंड दिखा दो अपनी खूबसूरती आ मैम मलाइका अरोड़ा खान को आपने फेल कर दिया इसलिए खूबसूरत लग रही हो आप चाल चल के दिखाओ एक सेकंड रुक जाओ लाइट खोलने दो दिखाओ ए मलाइका अरोड़ा कैसे मटक रही मम्मी थैंक्स ये बच्चों का है यार मैं भी तो बच्चा हूं भी मेरी उम्र ही हो गया अब उम्र ही गया है मेरी अभी स्वीट 20 क्या नजारा है कल तलक जो दिल था मेरा अब तुम्हारा है गाइस लड़की को देख लो कामकाजी हो चुकी है जवान हो गई है हमारी लड़की दूसरी वाली ये जल्दी जवान हो गई थी थोड़ा आज ये ज्यादा जवान है काम चल रहा है यहाँ पे इधर देखो बाल मजदूरी कैसे चल रही है क्या किसी ने आपको बोला ये बर्तन धोने के लिए नहीं क्या किसी ने आपको बोला है काम करने के लिए अच्छा मेरा नाम नहीं लिया तुम लोगों ने वेरी गुड बाकी सारा सिस्टम हो चुका है इतनी बार बर्थडे बन लिया और एक बार और बन गए जो मम्मी के नाम अरे उसका वो कट गया क्या यार सरप्राइज देखने से ज्यादा आपको वीडियो कॉल की पड़ी है ओ बैंकर होममेड केक है ये किसने बनाया थोड़ी याद हो गई ये किसने बहुत चलो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर मम्मा हैप्पी बर्थडे टू यू तो यार बस अब अपनी अपनी सेलिब्रेशन चल रही है यहाँ पे और बाकी इस व्लॉग को करता यही पे एंड अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और बाकी बहुत जल्दी देहरादून से हट के किसी और स्टेट के व्लॉग्स आने वाले हैं ठीक है एग्जैक्ट तो मैं नहीं बताने वाला हूँ बट इतना मानो कि 1400 से 1500 किलोमीटर के डिस्टेंस देहरादून से उस जगह का है जहाँ का व्लॉग आने वाला है ठीक है तो भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो एक और सिटी बहुत पास से एक्सप्लोर करने वाले हैं 6 से 7 महीने के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से तो सब्सक्राइब कर लो भाई जिसने भी नहीं किया बाकी जय माता दी जय श्री राम दुनिया में सबसे न्यारा जट्टा का छोरा